तो कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाली बीटीपी ने कांग्रेस से अब हाथ खींच लिया है। बीटीपी ने कांग्रेस पर तोहमत मढ़ी कि डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव में बीटीपी को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से गठजोड़ कर लिया। हालांकि बीटीपी के हाथ खींचने से सरकार की सेहत पर उसके आंकड़ों के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद गहलोत सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर रहे बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा के चेहरे पर तलखी साफ देखी जा सकती है। सरकार से समर्थन वापसी का ये फैसला पंचायती राज चुनाव का साइड इफेक्ट है। डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव में बीटीपी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने गठजोड़ कर लिया था और बीटीपी का उम्मीदवार चुनाव हार गया था। बस उसी दिन समर्थन वापसी की पटकथा लिख दी गई, जिसका औपचारिक ऐलान अब किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी ने ऑफिशियल स्तर पर कांग्रेस सरकार से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से वापस लेने का ऑफिशियल आज हम घोषणा भी करते हैं। बिल्कुल लिखित में कागज बन गया और चला जाए। डॉक्टर वेलाराम ने बताया कि बीटीपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उसके प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। कांग्रेस सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया था। राज्यसभा चुनाव कांग्रेस सरकार के संकटकालीन परिस्थिति में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने, 17 सूत्री मांग पत्र व अन्य ज्ञापनों द्वारा मुद्दों आधारित मांगों के साथ मांगे रखी थी, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। तो विधायकों की ताकत रखने वाली बीटीपी कांग्रेस पर न सिर्फ वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, बल्कि अपनी 17 सूत्री मांगों की याद दिलाई, जिनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।